हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज सर्विस एग्रीमेंट, एट्रिशन रेट क्या होता है, बॉन्ड पीरियड क्या होता है किसी भी कंपनी में। सो अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं दोस्तों तो आपको एक सर्विस एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ता है। वो आपको कंपनी की तरफ से मेल आता है जो भी आपकी मतलब ज्वाइनिंग लेटर्स एंड ऑल एवरीथिंग यू विल गेट दैट। तो वहीं पर एक सर्विस एग्रीमेंट भी आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है, उसमें लिखा होता है काफी सारी चीजें कि जैसे अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या क्या लिखा होता है। तो प्लस क्या करना पड़ता है आपको उसका प्रिंटआउट निकालना पड़ता है सर्विस एग्रीमेंट का। आपको किसी मतलब अपने नियरेस्ट जो भी आपका कोर्ट होगा वहाँ जाना पड़ता है, नोटरी के वहाँ पे स्टैंप लगते हैं ठीक है। एंड वहाँ पे आपका जैसे कि एग्जांपल कोई भी कंपनी है एक्स वाई जेड कंपनी, सो दैट कंपनी सेज कि आप इसमें 200 रुपीज का स्टैंप पेपर लगा के इसमें नोटरी से मतलब इसको वेरीफाई करा लीजिए ठीक है। तो आप जाएंगे वहाँ पे अपना प्रिंट करा के पीडीएफ पूरा प्रॉपर उनके पास जाएंगे, तो वहाँ पे आप जो भी आपके बहुत सारे वकील लोग बैठे रहते हैं सो ऑन, काफ़ी सारे लोग वहाँ बैठे रहते हैं, तो आप जाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो बस जाने अगर एग्जांपल किसी कंपनी ने कहा है 200 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे लगाना है, तो कई बार आपको 200 रुपये का स्टैम्प पेपर, अब तो ई स्टैम्प आ चुके हैं वरना पहले तो वो स्टैम्प हम मतलब वैसे पुराने तरीके से होती थी चीज़ें, तो आपको अगर 200 रुपये का स्टैम्प पेपर मतलब मिलता है तो वो लग सकता है, या फिर 100 100 के दो स्टैम्प पेपर लग सकते हैं ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट योर कंपनी विल टेल यू, दैट्स नॉट अ इशू। तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, प्रोसेस कराना पड़ता है, पूरे ठप्पे वगैरह लगते हैं नोटरी के ठीक है, पूरा स्टैम्प वगैरह होता है। देन आफ्टरवर्ड्स आप उसके बाद उसमें आपको विटनेस के साइन वाइन करवाने पड़ते हैं। उसमें लिखा क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बॉन्ड्स देखो जैसे कि नाम पर चलता है सर्विस एग्रीमेंट, दैट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन यू मतलब जो भी जॉब करने वाला है एंड द एम्प्लॉयर जो भी कंपनी आपको जॉब दे रही है। उसमें लिखा होता है सारी चीज़ें जैसे आपकी कंपनसेशन डिटेल्स ही होंगी, कंपनसेशन मतलब जो आपको सैलरी मिलने वाली है कि आपकी बेसिक सैलरी इतनी होगी, ग्रेचुटी इतनी होगी ठीक है, बोनस वगैरह है तो ऐसे होगा, अलाउंसेज ये होंगे एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। बाकी उसमें लिखा होता है कि आपकी जैसे फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स की ट्रेनिंग है या 3 मंथ्स की ट्रेनिंग है, उसमें लिखा होगा कि आपकी ऐसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग होने वाली है, उसमें 3 मंथ्स आपकी ये ट्रेनिंग चलेंगी, उसमें ये फर्दर टास्क होंगे, ये वाली ट्रेनिंग होगी ठीक है, ऐसे ऐसे करके चीज़ें लिखी होती हैं। प्लस उसमें ये भी लिखा होता है कि अगर आप हमारी कंपनी को इतने टाइम पीरियड से पहले छोड़ते हैं, दैट कैन वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, वो आपका हो सकता है 1 साल हो या फिर आपका 2 साल हो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द बॉन्ड पीरियड। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 2 साल से पहले छोड़ देते हो हमारी कंपनी तो वो बॉन्ड पीरियड होगी हमारा, कि हमारी कंपनी का बॉन्ड है 1 साल या 2 साल ठीक है। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग बॉन्ड पीरियड हो सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज में बॉन्ड पीरियड नहीं भी होते हैं। सो आप जब भी किसी कंपनी को सर्च करते हैं तो आप ये सोच के चलें कि आपको मतलब बॉन्ड पीरियड देख के चलना है कि नहीं चलना है। अगर उसमें गिवन है कि 2 साल का बॉन्ड पीरियड है, आप उससे पहले छोड़ते हो तो आपको एक मतलब आपको कंपनी को पे करना पड़ता है, कंपनसेशन पैसे पे करने पड़ते हैं। यही चीज़ें सारी आपकी उसमें लिखी होती हैं सर्विस एग्रीमेंट में, कि आपको अगर सपोज फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है उसने बोला कि अगर आप 2 साल से पहले कंपनी छोड़ते हो तो आपको मेरे को 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, उसमें सर्विस एग्रीमेंट में वो चीज़ें मेंशनड होती हैं मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स ठीक है, एवरीथिंग इज मेंशनड। बाकी उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी होती है, बट मेजर चीज़ें यही जो मैंने आपको बता दी हैं। इसमें आपकी सैलरी डिटेल्स होंगी, आप अगर कंपनी छोड़ते हो तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। अब इतने पैसे क्यों लेती है सैलरी मतलब जो हमारी कंपनी है, वो इसलिए लेते हैं गाइस क्योंकि उन्होंने हमारी ट्रेनिंग वगैरह कराई है, तो उनके ट्रेनिंग के जो हमारे ऊपर स्पेसिफिक जो कंपनी ने हमारे ऊपर खर्चा करा है ट्रेनिंग का, वो अलाउंसेस वो लेते हैं ठीक है। रिक्रूटमेंट करते हैं समय वो जो आए हैं तो उसके भी अलाउंसेस लेते हैं एंड सो ऑन, काफ़ी सारी चीज़ जो भी एक्सपेंसेस हमारे ऊपर लगे तो इसलिए वो लोग डिमांड करते हैं। तो ये आपका सीन रहता है। तो अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो सोच के चलो कि मेरे को मिनिमम इसका बॉन्ड पीरियड तो पूरा करना ही करना है, उसके बाद ही कंपनी छोड़नी है, वरना उससे पहले आप अगर लीव करते हो तो यू हैव टू पे द मनी और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। दिस वॉज व्हाट सर्विस एग्रीमेंट, बॉन्ड पीरियड भी इसी में डिस्कस हो चुका है कि अगर आपका 2 साल या 3 साल उसमें मेंशनड है तो आपको उतनी सर्विस देनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हो उतने टाइम की सर्विस तो फिर आपको पे करना पड़ सकता है ठीक है। इट कैन बी मतलब कम भी हो सकता है अमाउंट, ज़्यादा भी हो सकता है, हर कंपनी का अलग अलग सिनेरियो होता है। तो दैट्स वाई जो आप सर्विस एग्रीमेंट आपका आता है उसमें सारी डिटेल्स अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही अपना पूरा मतलब चॉइस करें कि हाँ मेरे को इस कंपनी में जाना है या नहीं जाना है। ओके ये हो गया। नाउ तीसरी बात गाइस अगर हम डिस्कस करते हैं एट्रिशन रेट क्या होता है। एट्रिशन रेट इज जैसे कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो कंपनी छोड़ते हैं तो उस रेट को हम मतलब एट्रिशन रेट बोलते हैं। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल कोई 100 एम्प्लॉयज़ हैं किसी कंपनी में, जस्ट एन एग्जांपल 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसमें से सपोज कि किसी फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि आपका अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है, तो ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल ईयर ही हमारा होता है। अगर हम क्वार्टर की बात करते हैं तो 3-3 महीने के हमारे गैप्स होते हैं, लाइक आपका अप्रैल मई जून में फर्स्ट क्वार्टर हो गया किसी भी कंपनी का अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर। तो अगर हम क्वार्टर वाइज बात करते हैं, सपोज पहले क्वार्टर में मतलब शुरू के 3 महीनों में हमारे 5 एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए तो एट्रिशन रेट कितना हो गया, 5% हो गया, बिकॉज 100 एम्प्लॉयज़ थे कंपनी में। तो इस तरीके से आपका एट्रिशन रेट होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी आप मतलब अपना डिटेल में जानना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। सो एट्रिशन रेट डिस्कस हो चुका है, जितने लोग कंपनी छोड़ रहे हैं ठीक है, वो हमारा एट्रिशन रेट हो गया। बॉन्ड पीरियड में आपको बता चुका हूँ, सर्विस एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं, एंड गाइस इट इज़ अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, मतलब आपका जो भी सर्विस एग्रीमेंट आता है आप किसी को दिखा नहीं सकते हो एंड सो ऑन, वो चीज़ें ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। एंड उसमें आपको विटनेसेस वगैरह के साइन कराने पड़ते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी लिखी होती हैं। सो इन्फॉर्मेटिव लगाया वीडियो तो लाइक कीजिए, ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मैंने डाले हुए लाइक क्रिप्टोग्राफी, कंपाइलर डिजाइन एंड सो ऑन। जल्द ही मेरा इन्फोसिस का 1 साल का एक्सपीरियंस वीडियो भी आएगा। सो दैट्स इट, जय हिंद, वंदे मातरम।